नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं? या फिर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं? तो पेश है कुछ आसान से चमत्कारी टोटके और खास आपके लिए, जो कि निश्चित रूप से आपको अपना मनचाहा जॉब दिलवा सकते हैं। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, वो तमाम जो टोटके हैं वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी है अगर आपके साथ, तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01207153787, 01207153826। और चलिए सीधा रुख करते हैं आचार्य जी का और उनसे जानते हैं कि आखिर मनचाही नौकरी पाने के लिए, मनचाहा जो जॉब है वो हमें पाने के लिए किस तरीके के टोटके करने हैं। तो आचार्य जी, आज आप जरा बताइए कि क्या कुछ ऐसे टोटके जो है, क्या कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं अपने जीवन में ताकि जो हमारी मनचाही नौकरी है वो हमें मिल सके। देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, क्योंकि तमाम उन नौजवानों का और सभी उन लोगों का जो वर्तमान में नौकरी से खुश नहीं है, या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं, या फिर नई नौकरी लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे कि उन्हें नौकरी आसानी से मिल सके जी। और इसी को लेकर के हम बताना चाहते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में अलग अलग तरीके के कई प्रयोग और कई कार्य और कई उपाय ऐसे हैं जिन्हें करने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। रोजाना शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ा करके अक्षत अर्पित करते हुए जल चढ़ाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ये उपाय करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी आपको रोजगार मिलेगा तो ही लक्ष्मी आपके पास रुकेगा। तो लक्ष्मी भी मिलेगी और आपको रोजगार भी मिलेगा जी। साथ ही हम बात करें कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं और रास्ते में यदि आपको कोई गाय नजर आ जाती है, तो आप उसे आटा और गुड़ अपने हाथ से देते हैं, या फिर घर से ही आप गाय को गुड़ और आटा लेके जाएं और गाय को देते हुए निकलें, तो आपको इंटरव्यू में सफलता मिलती है। कई प्रकार के उपाय हैं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, घर से निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लाभकारी होता है। बजरंग बली की फोटो जिसमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो, घर में जरूर लगाना चाहिए, और खास तौर पर पूजा पर लगाना तो बेहद शुभ होता है जी। वही अंकुर जी, एक नींबू के ऊपर चार लौंग लगा दें और ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः 108 बार उच्चारण करते हुए और नींबू को अपने साथ लेके जाएं। आप नौकरी की प्राप्ति के लिए जहां जा रहे हैं वहां अवश्य आपको सफलता प्राप्त होती है जी। रुके हुए कार्य सिद्धि के लिए टोटका बहुत लाभप्रद होते हैं, और इन्हीं में से एक है कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी का चित्र घर पर जो लगाते हैं, जिसमें उनकी सूंड दाई और मुड़ी होनी चाहिए, उनकी आराधना करें और उनके आगे लौंग और सुपारी रखें। जब भी काम पर जाना है तो इस लौंग और सुपारी के साथ आप उनके चरणों में गणेश जी के लगाने के साथ ही अपने जेब में रख लें, तो आपका काम सिद्ध जरूर हो जाता है। देखिए अंकुर जी, ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इसी प्रकार का एक और उपाय है जो मनुष्य के सभी बाधा और कष्टों को मुक्त कर देता है और निवारण कर देता है। श्री कृष्ण का मूल मंत्र है ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम क्रम कृष्णाय नमः जी। अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को इस मूल मंत्र का प्रातः जरूर नित्य क्रिया आदि स्नान आदि के पश्चात
108 बार यानी एक माला जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को सभी बाधाओं और कष्टों से सदैव मुक्ति मिलती है जी। अच्छा, आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको इंटरव्यू देने जाने के साथ ही अपने माता पिता के या बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब आपको मिलेगा तो अवश्य सफलता मिलती है। और फिर आप भगवती को प्रणाम करें, नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी। इस मंत्र का 108 पर जप करें, एकाग्र मन से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रोज पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज को एक साथ मिला करके और मंदिर में दर्शन करने के साथ ही मंदिर में पक्षियों को डाल के आए जी। शनिवार के दिन शनि का विधि पूर्वक पूजन करने के साथ ही आप 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार ऐसा बोलें, अवश्य आपको रोजगार में सफलता मिलेगी और आपकी इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिलेगी जी। क्योंकि जो व्यक्ति काफी मेहनत करने के बाद अपनी योग्यता रखते हैं और उसके बाद उन्हें रोजगार ना मिले तो बहुत निराशा मिलती है अंकुर जी, बहुत परेशान हो जाते हैं। इसे जीवन में रोजगार है तो जीवन है, और जीवन में यदि रोजगार नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि रोजगार प्राप्ति के लिए आप ये उपाय करें जी। आप सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि आपने बताए हैं ये सारे उपाय, उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए सभी उपाय जो हैं बेहद लाभकारी साबित हो, बेहद उपयोगी साबित हो। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये तमाम जो उपाय आपने बताए हैं, क्योंकि लंबे समय से देखा जाता है कि लोग सरकारी नौकरियों के लिए खासतौर पर तैयारी कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरियों की एक अलग ही मान्यता होती है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। अब ऐसे लोगों के लिए, या फिर कुछ लोग हैं जो कि प्राइवेट में भी, सेक्टर्स में भी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफी सालों तक जॉब करते हैं लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में ये जो तमाम आपने उपाय बताए हैं क्या इन लोगों के लिए भी ये कारगर है, या फिर उनके लिए कुछ अलग से आपके पास उपाय हैं? इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में इस तरीके की समस्या होती है, जिन्हें नौकरी में प्रमोशन काफी टाइम तक नहीं मिल पाता है या फिर जो है नौकरी काफी टाइम तक नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में क्या दोष पाए जाते हैं वो मैं जरा आपसे जानना चाहूंगी, और उन दोष को मिटाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, और किसी तरीके के रत्न अगर वो धारण कर सकते हैं तो वो कौन से रत्न हो सकते हैं? देखिए, आपने ये बहुत सही बात कही है जी। कि नौकरी प्राप्ति में सरकारी नौकरी को आज का युवक बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है। अगर आप सरकारी नौकरी पाने के उपाय ढूंढ रहे हैं जी, तो आपको हम छोटे छोटे से नुस्खा देना चाहेंगे, और छोटे से कार्य ही बड़े चमत्कारिक तरीके से आपको सरकारी नौकरी के मिलने के रास्ते बना देते हैं जी। या फिर सरकारी नौकरी आप प्रतिष्ठित कोई बड़ा कंपनी उसमें नौकरी चाहते हैं तो आपको भगवान शिव का पूजा नियमित रूप से कर देना चाहिए जी। अगर आप शिव की शरण में जाते हैं तो आपको अवश्य सरकारी नौकरी मिलती है जी। और इसमें बहुत सरल बात है कि रोज शिव जी को जल चढ़ाएं, साथ ही थोड़े से चावल और गुड़ अर्पण करें। जल गुड़ चावल अर्पित करने से और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसे तो आप नियमित करते रहिए लेकिन ये मन में ठान करके कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, तो फिर 25 दिन तक नियमित रूप से आप एक समय एक मंदिर में करिए, अवश्य आपको सरकारी नौकरी मिलती है जी। और इसी के साथ रविवार के दिन गुड़ का दान करें, रविवार के दिन आप, यहाँ सरकारी नौकरी में कई चीजें ऐसी हैं जी। देखिए अंकुर जी, जी सरकारी नौकरी में कई चीजें ऐसी हैं जो आदमी की योग्यता होते हुए भी वो कई कारणों से उसे नहीं मिल पाती है जी। और अन्य लोगों को योग्यता कम होने के बाद भी उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है, वहां आपको प्रयत्न करना चाहिए और अपनी
योग्यता को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य का जो है सफेद वस्त्र किसी ब्राह्मण को या किसी संत को दान करें, इससे भी लाभ मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी भी समस्या जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी आपको भी। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। और आचार्य जी आपके चरणों में मेरे नाम आपको शुभ मंगल कामना है। मैं 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मेरा ये है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसे गया जी की तरफ, गया जी जा रहा हूँ। तो क्या है कि रास्ते में मेरे प्रदोष वक्त आएगा वहां पे, तो उस प्रदोष वक्त को मतलब वाहन करना जरूरी हो जाता है, करना चाहता हूँ, लेकिन उस या नहीं हो तो किस दिन करें फिर, इसका थोड़ा समाधान बताएं। मान लो कि वहां निश्चित आएगा। अब देखिए आपने ये बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है और ये बात सही है, प्रदोष के व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अंकुर जी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है, वो द्वादशी को भी आता है। और ये कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के व्यक्ति के कष्ट निवारण हो जाते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष यदि पड़ता है तो उस दिन व्रत रखने से और भगवान शिव का जलाभिषेक करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। और वहीं आप प्रदोष की बात कर रहे हैं और पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक हिंदू ग्रंथों में ये बताया गया है कि आपको प्रदोष के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत कभी भी नहीं छोड़ें, क्योंकि वहां यदि प्रदोष करते हैं तो बुराई क्या है, वो तो अच्छी बात है। आप वहां प्रदोष का व्रत कर सकते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पालन करें, आपकी इच्छा पूर्ण होगी और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नित्य अपना आसन लगा करके भक्तों को देखे रहते हैं और देखते रहते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं आपकी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आपको कोई भी अवसर मिले, चाहे आप गया जी जा रहे हैं चाहे कहीं और जा रहे हैं, जो आपने नियम लिया है उसे आप पूरा करना चाहिए और व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। आचार्य जी और भी दर्शक हमारे साथ हैं, और भी कॉलर्स हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए आप। जन्म 2005। जी नाम मनीष कुमार जोशी, गांव जयपुरा। क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी 20 मार्च से एग्जाम है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कल से 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की। मनीष कुमार जोशी, तुम्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और तुम निश्चित रूप से बहुत एक्टिव बच्चे हो, प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बात सही है कि बच्चे हमारे भारत के भावी भविष्य, जो युवा, वो हमारे धर्म संस्कृति में ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ये समझो कि ये बहुत अच्छी बात है। और इसी बात को लेते हुए आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद देते हैं। कल आप जाएंगे, सोमवार का दिन है, गुड़ खा के जाना और गाय को रास्ते में यदि मिल जाए तो गुड़ जरूर देना, गुड़ और आटा देना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि परीक्षा देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, तो गुड़ और आटा की जो है गाय को खिलाना चाहिए, उससे सफलता मिलती है। तो आप ये करते हुए निकलना बेटा, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको भी जोड़ लेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। नमस्कार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, भरतपुर से बोल रहा हूँ, चैतन्य प्रकाश बोल रहा हूँ। बेटे के बारे में पूछना है,
हेलो जी पूछिए। हाँ उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1997 जी। और भरतपुर का जन्म है और समय है 7:35 शाम का जी। क्या जानना चाह रहे हैं? वो हमने पहले पूछा था पंडित जी से वो सीए के बारे में, वो सीए हो गया बैंक में लगा हुआ है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या करें, बैंक में लगा हुआ जयपुर। अब देखिए आप यहाँ अंकुर जी, जी हमारे दर्शकों को इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास है कि जिनको हम बताते हैं और उनके कार्य होते हैं तो वो लोग वापस फोन करते हैं। आपको बहुत आशीर्वाद है और बहुत धन्यवाद है। नहीं तो कई लोग ऐसा होता है कि कार्य होने के बाद फोन नहीं करते। और चूंकि आपको हमने जो कार्य बताया उसको आपने किया और जो कैलकुलेशन देखा उससे हमने बोला कि आपका बच्चा सीए बनेगा और वो बना, इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। मैं समझता हूँ हमारे लाखों और हजारों भक्तों का यानी दर्शकों का इस जी न्यूज राजस्थान के चैनल से लाभ मिलता है और उन सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यही तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे दर्शकों का बहुत लाभ हो और उनके काम बने। आपके बेटे को सीए को बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। इन्होंने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है, शुक्र की महादशा वर्तमान में इनको चल रही है और शुक्र इनका द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, इसलिए इनको यहाँ 7/11/2023 के बाद से और भी तरक्की उन्नति प्रमोशन मिलेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। इनसे प्रतिदिन गुड़ डाल करके भगवान शिव का जलाभिषेक करवाना शुरू करें, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी और भी कॉलर हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और मेरा जन्म 24 फरवरी 1983 शाम को 6:15 में जयपुर में हुआ था और बहुत परेशान हूँ जीवन में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कर दें कहाँ जाऊँ। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। देखिए आपको केतु की महादशा चल रही है वर्तमान में और केतु में चंद्रमा का और सूर्य का, चंद्रमा का अंतर है सूर्य का प्रतंत्र है। केतु जो आपका बैठा हुआ है ये नैसर्गिक पाप ग्रह है, पंचम भाव में बैठा है और वर्तमान में सिंह लगन से कर्क राशि में चंद्रमा से क्रियात्मक स्वभाव इसका काफ़ी आपको परेशान करता है, ऊपर नीचे कर रहा है। इसका मतलब आप घबराएं नहीं, आप काले कुत्ते को प्रतिदिन रोटी अपने हाथ से देना शुरू करें और यदि बन सके तो काले तिल एक चुटकी लेके भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें और उसके बाद जल अर्पण करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका समय 3/6/2023 से बदल रहा है, आप ये कीजिए। अपने ऊपर से एक नींबू में 6 लौंग लगा के 7 बार वार के और चौराहे फेंको 4 बार, ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। 7/4 शनिवार 4 मंगलवार कर दीजिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। चलिए आचार्य जी, अब समय की कमारी हमारे साथ भी है तो फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं दर्शकों की आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष राशि वाले लोगों के लिए। आज मेष राशि के जातकों को लंबे समय से अटका हुआ कार्य जो था उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। आज आपके किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा आपका उचित मार्गदर्शन होगा जो भविष्य के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें और सोच समझ करके निर्णय करेंगे तो आपके हित में रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज करियर या व्यापार या नौकरी में सभी क्षेत्रों में मन मुताबिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए हर क्षेत्र से शुभ रहेगा। आज आपका समाज में कद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाला है।
कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपके काम की बहुत प्रशंसा करेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने जीवन साथी के साथ कुछ आनंद के पल बिताने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आज उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता आएगी। संतान का सुख भी आज आपको प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज छात्रों को परीक्षा का दबाव महसूस होगा, इससे उभरने के लिए कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करें जिससे उनका अहित ना हो। ऐसे में कुछ भी गलत कार्य करने से बचे जिसके बाद आपको पछतावा नहीं रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। पेट से संबंधित बीमारियां परेशान आज आपको कर सकती हैं, जैसे कि दस्त, कब्ज, अपच, गैस बनना, पेट दर्द होना इत्यादि। व्यवहारिक जीवन का सुख प्राप्त होगा और पत्नी के साथ रिश्तों में मजबूती आज आएगी। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। सुबह के समय तो आलस का भाव रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते किसी बात को लेकर मन में जोश उत्पन्न होगा। घर के काम की अधिकता रहने के कारण मन उसी ओर आज आपका लगा रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। कुछ अच्छे समझौते आज आपको हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन किसी भी कागज को ध्यान से पढ़कर के ही हस्ताक्षर करना आपके हित कर रहेगा, अन्यथा बाद में बेवजह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। घर का माहौल आध्यात्मिक आज बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। परिवार में किसी के द्वारा आपकी चुगली की जा सकती है, ऐसे में संयम और धैर्य का परिचय देना आपके लिए बेहतर रहेगा। सभी के साथ अपने स्वभाव में आप नरम बनाए रखें, यही आपके लिए हित में रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन अपने प्रेमी की बातों को अनदेखा ना करें, अन्यथा उनका आपसे मोह भंग हो सकता है। ऐसे में उनकी बात को ध्यान से सुने और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयत्न करें। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर के किसी काम को लेकर मन आशंका में रहेगा और उसे कैसे किया जाए ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धैर्य और विवेक से आप निर्णय करें तो ही आपके हित में रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है सभी का राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी समस्याओं को लेकर उनके समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। सभी के लिए शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ आज के लिए फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। अब बने रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।